राहुल और सायमा दोनों सुबह से शॉपिंग करते करते थक गए होते हैं और ढेर सारे शॉपिंग बैग्स हाथों में उठाए दोनों सायमा के घर पहुंचते हैं। अंदर आते ही राहुल सारे बैग्स एक जगह पर रख कर सोफे पे बैठ जाता है और इधर उधर नज़रें घुमाते हुए वो सायमा के घर के इंटीरियर को चेक करता है और चेक करते हुए कहता है, वाओ नाइस इंटीरियर, नाइस हाउस। जिसके जवाब में सायमा थैंक्स कहकर मुस्कुरा देती है और अपना हैंडबैग पास में रखी कुर्सी पर रखकर राहुल के लिए किचन में पानी लेने जाती है। इसी दौरान राहुल उठकर सायमा के घर के विंडोज़ के कर्टन्स हटाकर आसपास का व्यू देख रहा होता है। इतने में सायमा अपने हाथों में पानी का ग्लास लिए हुए उसके नज़दीक आती है और कहती है, ये लो पानी। पानी का ग्लास राहुल की तरफ बढ़ाती है और कहती है, इट वॉज अ लॉन्ग शॉपिंग सेशन ना। बदले में राहुल उसकी तरफ तिरछी नज़र से स्माइल करते हुए हाथ में पानी का ग्लास पकड़ते हुए कहता है, हाँ बट आई थिंक अभी भी बहुत कुछ बचा है करने को। पानी पीते हुए अपनी बात के रिएक्शन के इंतज़ार में राहुल सायमा की तरफ देखते हुए पानी पीता है और जवाब ना आता देख एक बार फिर उसी नॉटी अंदाज में कहता है, मैं हूं ना, आई विल हेल्प यू। सायमा उसकी बात सुन के कहती है, पहले पानी पियो पानी, बाद में हेल्प करना। राहुल छेड़ने के अंदाज में सायमा को कहता है, बस पानी से ही काम चलाएंगे आप या फिर। तो सायमा भी उसको कंफर्टेबल करने के लिए कहती है, अरे वाई विल आई माइंड, ऑफ कोर्स, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। राहुल कमेंट करने के अंदाज में पूछता है, वैसे ऑप्शन में क्या क्या है। सायमा उसके इशारे को समझ जाती है और अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करते हुए कहती है, सब कुछ। राहुल अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहता है, सब कुछ। तो उसके इशारों को भांपते हुए सायमा बड़े एटीट्यूड के साथ कहती है, जो तुम सोच रहे हो वो भूल जाओ, बाकी सब है, वोडका, बियर, विस्की। इन मेन्यू ऑप्शंस में दिल ही दिल में कुछ ऑप्शंस के बारे में सोचते हुए राहुल कहता है, बियर चलेगा। जिसके बदले में सायमा ऐसा रिएक्शन देती है मानो वो कह रही हो कि किस बच्चे से पाला पड़ा है। फिर एक तिरछी नज़र से मुस्कान बिखेरती है। अपने ही अंदाज में वहाँ से उठकर वो फ्रिज के नज़दीक जाती है और डीप फ्रीज़र से दो बियर की बोतल लेकर आती है और कुछ ही मिनट्स में दोनों लोग बियर पीते पीते थोड़ा रिलैक्स्ड फील करते हुए आपस में बातें हंसी ठिठोली करते नज़र आते हैं। अचानक थोड़ा सिंसियर टोन में सायमा कहती है, यू नो राहुल, रियली थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी आउट। राहुल जवाब में कहता है, नो नीड फॉर थैंक्स, इट्स माय शेयर प्लेजर, आई होप मैंने आपको ज़्यादा तंग नहीं किया। सायमा भी हंसते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं, तुम तो बहुत अच्छे हो राहुल, इनफैक्ट मेरा ऐसा कोई दोस्त ही नहीं है इस शहर में, आई होप आई कैन कॉल यू माई फ्रेंड। तुम्हारे मुंह से राहुल ज़्यादा अच्छा लगता है, वाई टू टैग मी। उसके जवाब में ना जाने क्या कुछ सब टैक्स छुपे थे जिन्हें समझते हुए सायमा अपना एक आईब्रो उठाते हुए उसकी तरफ देखती है और उसके एक्सप्रेशंस देखकर राहुल उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखता होता है और मानो पूछ रहा हो कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। जवाब में सायमा सोफे के ऊपर से उठते हुए कहती है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। बोल के वो अपने बेडरूम की तरफ चली जाती है। राहुल उसे जाते हुए देखता रहता है और बियर के सिप लगाता है।
दूसरी तरफ बाजू के बिल्डिंग में अश्विन अपने बालकनी में इंजीनियरिंग की किताब लेके पढ़ रहा था और वॉक कर रहा था। तभी उसकी नज़र सामने वाली बालकनी पर पड़ती है जिसकी लाइट अभी ऑन हुई है। मानो अश्विन के मन की मुराद पूरी हो गई हो। अश्विन जीसस को धन्यवाद देने वाले इशारे करते हुए फटाफट भागते हुए अपने बाइनोकुलर्स बेडरूम से लेकर आता है और चेयर लेकर बालकनी में बैठते हुए सामने वाले घर में झांकने लगता है। वहां साइमा अपने बेडरूम में आती है, हाथ में रखी बियर की बोतल को ड्रेसिंग टेबल पर रख देती है, अपनी अलमारी खोलती है और अंदर से एक नाइटी निकालती है और चेंज करती है। मिरर में देखकर अपने बालों को सेट करती है। वहीं साइड करीने से रखा हुआ पिंक और गोल्डन कलर की पैकिंग में रखा परफ्यूम अपने जिस्म पर लगाती है। फिर आंखों में एक अजीब सा नशा लिए ड्रॉर से गांजे का जॉइंट निकाल कर जलाती है। बियर की बोतल वापस हाथ में लेते हुए कमरे की लाइट्स ऑफ कर देती है और वहां से निकल जाती है। और अश्विन जो अपनी बालकनी में बैठ के अपने बाइनोकुलर्स में लगभग घुसा जा रहा था और जितना हो सके उसे ज़्यादा गहराई में झांकने की पुरजोर कोशिश कर रहा था, वो साइमा के वहाँ से जाते ही मायूस हो जाता है। उसको लगता है कि आज शायद उसके साथ कोई है, पर वो इस बात से बेखबर है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका ही कोई अपना है। पर अश्विन ज़्यादा सोचता नहीं है। तभी उसकी नज़र सामने घर के हॉल की तरफ जाती है जहाँ उसे दो साए नज़र आते हैं। उधर उस वन पीस ट्रांसपेरेंट नाइटी को पहन के परियों जैसी खूबसूरती बिखेरते हुए साइमा जॉइंट पीते हुए बेडरूम से ड्राइंग रूम में आती है और राहुल उसकी तरफ थोड़ा गौर से देखता है। एक मिनट, नाइटी के अंदर तो शायद कुछ पहना ही नहीं साइमा ने। साइमा को इतने हॉट अवतार में देख के राहुल के होश उड़ जाते हैं और वो अपने बालों में हाथ डालते हुए साइमा से पूछता है, कहाँ जाने की तैयारी? साइमा जॉइंट के कश लगाते हुए कहती है, हाँ शायद। ये कहकर वो राहुल को जॉइंट पास करती है। राहुल जॉइंट हाथ में लेते हुए फिर से पूछता है, इसे पीकर तुम जा पाओगी? साइमा जवाब देती है, तो तुम किस लिए हो? राहुल हंसते हुए कहता है, मुझे लग रहा है कि मैं खुद खतरे में हूं। साइमा कहती है, हाँ खतरे में तो हो, पर चलो जाने देती हूँ। बच्चों को खतरे में वैसे भी नहीं डालना चाहिए, मैं चेंज कर लेती हूँ। ये बोल के साइमा जैसे ही बेडरूम की ओर पलटती है, राहुल उसे पीछे से पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचते हुए बाहों में भर लेता है और कहता है, अभी चेंज करने का वक्त गया। बंद होती आंखों में नशा भरते हुए राहुल ये कहते कहते साइमा को किस करने लगता है और साइमा के बदन में बिजली सी दौड़ जाती है। वो पलट कर अपने होठों को राहुल के होठों पर रखते हुए अपनी जीह्वा के स्पर्श के साथ आग की तरह गरम अपने होठों से राहुल के होठों को इस तरह चूमती है मानो वो कब से प्यासी थी। राहुल तेजित होते हुए साइमा के पृष्ठ भाग को अपने हाथों में जकड़ते हुए उसे हवा में अपनी बाहों में उठा लेता है और धीरे धीरे अपने हाथों को उसकी नाइटी के अंदर ले जाते हुए
लगातार साइमा के बदन को, उसके गले के निचले भाग को, उसकी जांघों को, उसकी कमर को अपनी जीवा के स्पर्श से गीला कर देता है। साइमा भी अपने होश खोने लगी है। वो भी मदमस्त होकर राहुल की ही तरह बेकाबू होते हुए आगे बढ़कर राहुल के कपड़े उतारने लगती है। अचानक से राहुल की शर्ट का एक बटन अटक जाता है तो उत्तेजना से भरी साइमा उसकी शर्ट फाड़ते हुए खींच के उतार देती है और एक बार फिर ये दोनों आलिंगनबद्ध हो जाते हैं। कामुकता अपने चरम सीमा पे होती है। हवाओं में मानो कामोत्तेजना का नशा घुल गया हो। पूरा का पूरा कमरा अब साइमा के जिस्म की खुशबू से गुलजार हो चला था। अगर कानों को कुछ सुनाई दे रहा था तो वो थी सिर्फ आहें, चूमने की आवाजें, लब से लबों के टकराने की गर्म जोशी की आहट, सांसों के तेज होने का शोर, दिल की तेज और तेज होती धड़कनों की आवाजें, और उसी बीच दोनों के जिस्म धीरे धीरे सारे कपड़ों से आजाद होने लगे हैं। धीरे धीरे दोनों निर्वस्त्र हो जाते हैं और उनकी खुलती बंद होती आंखों से लगता है मानो वो किसी साधना में खो रहे हैं। महर्षि बत्सायन की महान रचना कामसूत्र ग्रंथ का हर अध्याय वहां खुलता प्रतीत हो रहा था। दोनों के मिलन के वो कामुक दृश्य वहां चल रहे थे जिसे शब्दों में बयां करना लगभग नामुमकिन सा है। साइमा की सिसकियां निकल रही थी और साथ ही निकल रहे थे कुछ शब्द जैसे ओ माय गॉड, और जोर से राहुल, कंटिन्यू वगैरह वगैरह। पसीने की बूंदे दोनों के बदन से टपकना शुरू हो गई थी। ये दोनों अपने सारे कपड़े उतारे एक दूसरे की बाहों में खोए हुए सारी सीमाएं लांग रहे हैं। साइमा कभी राहुल के ऊपर तो कभी राहुल साइमा के ऊपर, अपने अंदर का सारा प्यार जैसे उड़ेलना चाहते हो। राहुल के पूरे शरीर पे नाखूनों की खरोचों और काटने के निशान नजर आ रहे हैं, पर वो उस हुस्न के हसीन जलवों का शिकार हो गया है और उसे देख के लग रहा है कि शायद इससे बेहतरीन और रंगीन पलों का सामना उसने पहले कभी नहीं किया। जवानी की मदमस्तता हिलोरे खाता, नागिन की तरह बल खाता साइमा का रेशमी बदन, उसकी नाजुक बाहें, उसकी सुडौल चमकदार सुंदर आकर्षक लंबी लंबी टांगों ने राहुल को चारों तरफ से एक घेरा बनाकर घेर लिया है जिसे हम मोहपाश भी कह सकते हैं, और राहुल उस मोहपाश के भीतर समाता जा रहा है। उसके होश उसके साथ छोड़ते दिख रहे हैं और उसके मुंह से निकलती आवाजें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि वो अब रुकना नहीं चाहता। और भी वाइल्ड होते हुए वो साइमा को थोड़ा कस के पकड़ लेता है जिससे साइमा की चीखों से पूरा कमरा गूंजने लगता है। दोनों एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं।
एक घमासान तूफान के बाद दोनों शांत हो जाते हैं और वहीं बिस्तर में सो जाते हैं। ये दृश्य सामने के बालकनी में खड़ा अश्विन भी देख रहा था और बड़ा मायूस हो रहा था, जैसे खुद की तकदीर को कोस रहा हो। अपने बाइनोकुलर को वो कुर्सी पर फेंक कर अश्विन वापस बेडरूम की तरफ चला जाता है। सुबह सुबह का वक्त था, अश्विन सो रहा था, पर नींद तो उसकी रात से उड़ी हुई थी। कितनी भी कोशिश कर ले, उसको नींद नहीं आ रही थी। चद्दर ओढ़कर बिस्तर पर बस पड़ा था, तभी उसकी नौकरानी वहां आती है। आज उसने एक साड़ी पहन रखी थी, ठीक वैसी ही जैसे साइमा ने कुछ दिन पहले पहनी थी। वही डीप क्लीवेज वाली ब्लाउज, वही माथे पर मांग टीका, पैरों में पायल, हाथों में चूड़ियां। ऐसा लग रहा था जैसे आज नौकरानी ने साइमा का अवतार ले लिया हो। कमरा दूसरे दिनों के मुकाबले आज बहुत साफ साफ सा दिख रहा था। बस बियर की कुछ बॉटल और चिप्स के कुछ पैकेट बालकनी में पड़े हुए थे। नौकरानी ये देख के बहुत खुश होती है, पर उसको थोड़ा सा अजीब भी लगता है। कमरे में छाई हुई खामोशी नौकरानी को कुछ अटपटी लगती है। किसी अनहोनी के डर से वो उस चादर को उठाकर देखती है कि सब ठीक तो है। तभी अश्विन भी उसको देखता है। वो घबरा कर पीछे जाने की कोशिश करती है, पर उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा अश्विन के ऊपर गिर जाती है। अश्विन उसको गिरता देख बचाने के लिए हाथ आगे कर देता है और ना चाहते हुए भी उसका हाथ नौकरानी के ब्लाउज को छू जाता है। ऐसा पधाबे में उसका पल्लू भी गिर गया था। वो अश्विन के हाथों के इस स्पर्श और अश्विन के चेहरे को देखते हुए शर्मा जाती है और मुस्कुरा देती है। अश्विन भी उसे देख के मुस्कुराता है और फिर दोनों एक दूसरे के करीब और करीब आ जाते हैं। राहुल तैयार होकर कॉलेज के लिए निकलता है। ड्राइंग रूम से होकर वो जब अश्विन को उठाने के लिए उसके बेडरूम के पास आता है, तो उसे कमरे के अंदर से वही कामुक और मादक आवाजें सुनाई देती जो पिछली रात उसके और साइमा के संगम के दौरान सुनाई दी थी। वो मन ही मन खुश होता है और वहां से जाने लगता है। जाते जाते अपने मोबाइल निकाल कर वो अश्विन को व्हाट्सएप मैसेज करता है। वेल डन ब्रो, फाइनली तू सीख गया, हाँ कॉन्ग्रेट्स एंड सॉरी फॉर द लास्ट नाइट, बट आई सीरियसली बिलीव एंड होप दैट यू एंजॉयड द शो। चल कॉलेज में मिलते हैं, ओके एंजॉय कर, बाय बाय। मैसेज ड्रॉप करते हुए वहां से राहुल चला जाता है, लेकिन अश्विन के कमरे से अभी भी आवाजें, ओह या, ओह आ कम बेबी आ रही थी। दो लोगों की तेज सांसें और वो आए पर बस समा बांध रही थी। कुछ देर बाद उस व्यवस्थित कमरे का नजारा पूरी तरह बदला हुआ नजर आता है। बेडशीट कहीं और, गद्दा कहीं और ये दोनों भी बिस्तर पे गिरे पड़े, जैसे उनके शरीर में जान ही बाकी ना हो। कुछ देर की खामोशी के बाद दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती है और दोनों की हंसी छूट जाती है। एक दूसरे को देख के हंसने लगते हैं और दोनों लिपट जाते हैं एक दूसरे से। अश्विन नौकरानी के माथे पर किस करता है और उसको अपनी बाहों में जकड़ लेता है। नौकरानी भी अश्विन को बाहों में कस के जकड़ लेती है
और दोनों के स्मूच की तेज आवाजें आने लगती है।